हे गाइस, मैं हूं आपका मिस्टर फिनिक। तो हम आज फिर से खेलने जा रहे हैं BGMI, और फिर से हम उतरने वाले हैं पोचिंग की पे। पिछले वाले वीडियो पे भी हम पोचिंग की पे उतरे थे, इस गेम प्ले वीडियो में भी हम पोचिंग की पर ही उतरेंगे। अगर आप नए हैं तो यहां पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ मैं रोज़ डालता रहूँगा। तो चलिए गाइस, तो हमको वो चार मिल गया जिसे हम एक बार वे हो सकते हैं, और UMP भी मिल गया। और देखते हैं क्या क्या लूट मिलती है। जैसे मैं मिलते हैं ना यूपी, सब सामने घर में बंदा आता है, देखो उसको डैमेज देता हूँ, लेकिन वो नहीं मरता है, नहीं नॉक नहीं होता है। तो इसलिए मैं पीछे उतर जाता हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट भी मिलता है। सॉरी गाइस, मेरा हैंड थोड़ा शेक है, इसलिए मेरा कोऑर्डिनेट ठीक से नहीं लगा। फाइबर थे मेरा प्रॉब्लम है, थोड़ा शेक है, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो सामने देखता हूँ कि बंदा आकर पीक देता है कि नहीं। जैसे पीक देंगे तो हम मार देंगे। वो पीक नहीं दे रहा, बार बार मेरे को सता रहता है, तो इसलिए मैं ऐसा वैसा करके मेरे को गुस्सा भी आ जाता है। तो हम सीधा चल जाते रश करने के। और यहाँ पर कितना अच्छे से कैंप करता रहता है, मतलब देखा साले टट्टी कैंपर, मेरे को मारेगा तू? बोसड़ी का कैंप करता है तेरी ऐसी की तैसी। तो चला गया, इसमें कुछ थोड़ा डैमेज हो जाते हैं, तो मैं हीलिंग वीलिंग लगा लेता हूँ, बैंडेज वगैरह सब लगा लेता हूँ। चलिए देखते हैं और आगे क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पर रहता ना, मेरे को फायरिंग सिंबल दिखा देती है, तो देखता हूँ कहाँ पर बंदा है। वहाँ पर मेरे को दिख भी जाता है, लेकिन मैं मारता हूँ उसको नहीं लगता है। तो और एक बार भी दिखेगा, उसको भी मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं लगता उसको, लगता है मतलब नहीं मरता वो। तो मैं सीधा उस पर चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे को चुम्मिश बॉट मिल ही जाता है, उसको भी मार देता हूँ, क्योंकि बॉट को मारना हमारा काम है। जैसे इधर है ना, ऊपर से एक बंदा नीचे कूद देता है मेरे को मारने के लिए, मतलब उड़ते उड़ते कैसे मरेगा भाई, मैं कवर में भी हूँ, मतलब कैसा मरेगा? तो तेरा सोच क्या है, किस दिशा में चल रही है तेरा सोच, तेरा दिमाग? हट मादर चोद। टट्टी प्लेयर कार लेके मेरे पर रश करना थे, लेकिन कार में ही बैठ जाता है। आपके पापा बुला रहे भैया, चलो चलो लॉबी में चलो। मतलब यार, हर बंदे का दिमाग किस दिशा में सोच रही है, लाइक कार में ही बैठ रहा है, ना कार से उतर रहा है, ना मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। हट। तो बस जैसे मैं नीचे कूदता हूँ ना, तो सामने से मेरा बंदा मेरे को आ जाता है, उसको नॉक कर देता हूँ, उसको फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इसी टाइम पर और उसका एक बंदा आ जाता है, उसको भी बहुत डैमेज लग भी जाती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं सीधा रश कर देता हूँ, और यहाँ देखो इसको मार भी देता हूँ, नॉक कर देता हूँ। मतलब सारा पोचिंग की हमारा ही है, सारा पोचिंग का किल हमारा ही, मिस्टर फिनिक्स भाई का ही है। तो गैस, ये छोटा सा मेरे से क्लच कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बता देना। हमने मेरा भाई बहुत दिख भी जाता है, उसको भी पेल देता हूँ। लेकिन यहाँ इस घर से ना मेरे को M4N की फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं पीक करके देख रहा था कि बंदे कहाँ पर है। अगर वो पीक दे तो मैं पेल दूंगा उसको, लेकिन वो पीक देने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो सीधा घुस जाता हूँ। लेकिन यहाँ किस तरह का कैंपिंग कर रहा था देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। मतलब यार, कैंप करने की एक हद भी होती है, ये हद भी पार कर दिया तूने, मादर चोद। सॉरी गाइस, मैं थोड़ी गालियाँ वालियाँ सब यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपका हिस्सा गालियाँ सब ने, आप अभी निकल सकते हो, क्योंकि मैं को इतना बहुत इंटेंस हो जाता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ मेरे को खुद ही समझ नहीं था। और मेरे पे गाड़ी रश कर देती है, लेकिन मेरा एक दिक्कत है ना, मेरा हैंड बहुत स्वेटी हो रहा है, मैं स्वेटी हो रहा था तो मैं एक बंदे को नॉक भी कर देता हूँ, लेकिन स्वेट होने की वजह से मैं चार बंदे को नॉक करने में फेल हो जाता हूँ। तो फिर से मैं कूदता हूँ, उतरता हूँ, देख ही सकते हो आप। अबे आना एयरप्लेन, हाँ आ गया फिनिक्स भाई, आ गया। अब कूदता हूँ इस जगह में, और थोड़ी लूट भी कर लेता हूँ, आप खुद ही देख सकते हो। यार यहाँ पहले से बूम बम हो चुकी है, तो हम लास्ट में आके लूट रहे हैं उनके लूट।
चलो कोई नहीं, चिंदी माल तो मिल ही गई। चलो चलो बंदे ढूंढते हैं। और मेरे को यहाँ से प्यारा सा नन्हा सा छोटा बच्चा बंदा दिख भी जाता है और उसको फिनिश भी कर देता हूँ। शायद वो आखिरी बंदा होगा उस उनका टीम का, तो उसको मार देता हूँ। उसको जो जो भी लूट है उसका सब लूट भी लेता हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है मेरे को। चलिए देखते हैं। ठीक इसके बाद है ना मैं यहाँ पर चला स्मगल का, लेकिन साले कैंप पर मेरे को यहाँ मार भी देता है, जेल भी देता। देखो देखा, मैं जिसको चिंदी गन बोल रहा उस गन से ही मेरे को ख़त्म कर दिया। यही है ना बैड लक। चलो भाई लेट्स भी देख लो, इतना गंदा फील हो रहा है ना मेरे को। अबे ये कौन सा ग्लिच है बे, और उसका शरीर वरीर कुछ भी नहीं दिख रहा। ओ मैडम जी, कपड़े उपड़े उतार के आए हो क्या? मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, ये कौन सा ग्लिच है यार नंगू? मतलब यार कुछ भी नहीं दिख सकता मेरे को, इससे पहले भी होता अब भी हो रहा है। यार अभी भी इसका शरीर गायब है, मतलब सीन क्या है भाई बीजेम वालों के साथ? मतलब क्या ही सीन है, मतलब उसका शरीर ही उड़वा दिया। देखो रुको, मैं इमोट्स डाल के देखता हूँ कि शरीर आती है कि नहीं। रुको डालता हूँ, यार इमोट्स डाला तो अभी शरीर नहीं आ रहा है यार। मतलब हो क्या रही है बीजीएमआई, आप सुन सकते हो क्या रही है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक बाय।